प्रणाम, मैं ज्योतिषाचार्य विनीत शर्मा आज एक छोटे से प्रयास के साथ आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो प्रयास हर एक व्यक्ति अपने जीवन में लग्जरी के लिए, जीवन यापन के लिए और आने वाले सुनहरे कल के ख्याल को सुरक्षित रखने के मकसद से करता है, यानी कि धन अर्जित करना, धन को सेव करना और धन के री इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं किस तरह से वो करें कि अपने जीवन में उसको सुख समृद्धि और एक स्टेटस जो है जिसकी कामना हर एक इंसान को है उन्हें मिले। तो आज की जो चर्चा है वो ये है कि किस तरह से हम अपने आप से आसान तरीके से वास्तु की जो एनर्जी फील्ड्स हैं उन्हें समझें और अपने आप से अपने घर की एनर्जीज को व्यवस्थित करने की एक जो आपकी भी इच्छा है वो आप पूर्ण कर पाएं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक उपहार है कि आप लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आए, धन आए और आप धन को आकर्षित करने के लिए अपने घर को एक मनी मैग्नेट बना पाएं। तो मनी मैग्नेट किस तरह से आप बनाएंगे अपने घर को, सबसे पहले कंपास जो होती है उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कंपास को हर कोई अपने मोबाइल में भी अपलोड कर सकता है। उसको लेके आप सेंटर ऑफ हाउस में खड़े हो जाएं और नॉर्थ जो है बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो दिखाएगा। उसके बाद आपको सारे डायरेक्शंस जो है समझ आ जाएंगे, नॉर्थ साउथ। अब आपने देखना ये है कि जल तत्वों की जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पहले उसे समझिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ से जो जहाँ पे आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है उससे लेफ्ट की तरफ बाईं तरफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा आती है और उसके राइट साइड में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आएगा, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो ये जो दिशाएं हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की जो दिशा है ये जल तत्व की दिशा है। अब जल तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, हम सब लोग जानते हैं कि जल है तो जीवन है। अगर हम लोग बात करते हैं जल की तो ये एक सोर्स है लाइफ का। अगर हम 70% वाटर से अपने बॉडी का कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है या जल की कमी हो जाती है तो हमारी स्थिति जो होती है वो मरने जैसी हो जाती है। तो जीवन दायिनी जल तत्व स्पेस की एनर्जीज में अगर व्यवस्थित नहीं है उसमें पृथ्वी तत्व जो है ये बहुत बड़ा बाधक होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो होता है वो जल तत्व को बांध देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो रंग है सबसे पहले उसे समझिए, यहाँ का रंग है नीला और काला। वैसे तो जल ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन उसमें क्योंकि स्काई की रिफ्लेक्शन होने के कारण इसका जो रंग है वो नीला और काला बोध होता है। तो हम इस डायरेक्शन के महत्व को कम ना करें, यानी कि यहाँ पे अगर येलो कलर है किसी भी फॉर्म में तो वो मनी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो आप यहाँ से अर्थ एलिमेंट यानी कि स्क्वायर शेप्स येलो कलर हटा दें अगर आपके घर में यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपको करेक्शन करने के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका मनी का जो फ्लो है वो निरंतर बना रहे, क्योंकि यही दिशा है जो अवसर भी दिलाती है, यही दिशा है जो हमारी लाइफ के अंदर उन अवसर को करने की स्किल को भी डेवलप करती है। और अगर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी तो कैसे आपकी लाइफ आगे चलेगी। और इसका जो पेरेंट एलिमेंट है दैट इज स्पेस, स्पेस से ही जल का निर्माण हुआ है। तो हमें ये देखना है कि स्पेस भी व्यवस्थित है कि नहीं है। तो स्पेस का जो कलर है वो वाइट होता है, उसके कलर के आगे अगर हम नीले और काले रंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल नीला और काला रंग ही क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि अर्थ एलिमेंट यहाँ पे अगर है तो उसे आप रिमूव करें, और यहाँ पे अगर फायर भी है तो भी वो एक इम्बैलेंस को क्रिएट करती है मनी फ्लो के लिए, तो उसका कलर रेड होता है, तो रेड को भी यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। अब आपने ये देखना है कि अगर आप एक लेमैन हैं तो आप अपने घर के अंदर ऐसी कौन सी इजी करेक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम इसके चाइल्ड एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट के कलर को
इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक हरे रंग का बल्ब आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा के 24 आवर्स के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही आपको महसूस हो जाएगा कि कितना ज़्यादा जो ऑब्स्ट्रक्ट थी चीज़ें आपकी लाइफ में, उनमें एक गति आ गई है। हरे रंग का बल्ब अब आप लगातार इस दिशा में अवरोध को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते रहें, यही आपको फ़ायदा देगा। साथ में इस दिशा के अंदर एक और रेमेडी आप लगा सकते हैं, वो है ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल के अंदर आप जल भरें और उसमें एक मनी प्लांट आप यहाँ पे नॉर्थ के डायरेक्शन में प्लेस कर दें। फिर देखिए आपकी लाइफ में मनी फ्लो कैसे बाधित रहेगा, आपके लाइफ में मनी फ्लो इजीली शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर दिशा की जहाँ से अग्नि का सृजन जो है शुरू होता है, एनर्जी जहाँ से जनरेट होनी शुरू होती है, दैट इज़ अ डायरेक्शन कॉल्ड साउथ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण से लेके साउथ ईस्ट से लेके साउथ साउथ ईस्ट जो हमारी कॉन्फिडेंस की दिशा है, रिलैक्सेशन की दिशा है साउथ, तो साउथ तक जो है एनर्जी जो है इसका स्प्रेड होता है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो बनती है। तो इस दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट्स, वाटर बॉडीज बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, तो यहाँ पे अगर किसी भी फॉर्म में वाटर बॉडीज, वाटर स्टोरेज, टॉयलेट या कोई भी सेप्टिक टैंक जैसी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो वो हम लोगों के जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस को करती हैं और आपकी जो मनी और ब्लॉक्ड पेमेंट्स वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। अब आपको दोनों ही दिशाएँ, जल तत्व और अग्नि तत्व की दिशाओं के बारे में मैं बता रही हूँ। तो अग्नि तत्व जो है इधर किसी भी फॉर्म में अगर वाटर बॉडीज के साथ में काला और नीला रंग अगर आ जाता है जो कि वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी यहाँ की अग्नि को क्षीण कर देता है। तो जब भी आप देखेंगे आग लगती है कहीं पे, सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और फायर ब्रिगेड का कार्य क्या होता है, वो जल से अग्नि को शमन करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर काला और नीला रंग है तो उसे रिमूव कर सकें तो कर दीजिए, नहीं कर सकें तो आप लोगों के लिए इस डायरेक्शन को स्ट्रेंथन करने की दो रेमेडीज मैं देने जा रही हूँ। एक है यहाँ पे येलो कलर का बल्ब आप लगा सकते हैं और येलो कलर का बल्ब जो है यहाँ पे लगातार आप जलता रहने दें। आप देखेंगे कि यहाँ की जो आपकी पानी यहाँ पे वाटर बॉडीज यहाँ पे होने की वजह से अगर आपकी पेमेंट स्टक हो रहे थे, फीमेल जितनी घर की है उनकी हेल्थ खराब हो रही थी और आप लोगों की लाइफ में लीगल इश्यूज बढ़ रहे थे, उनमें आपको आराम महसूस होगा। और दूसरा, इस डायरेक्शन के अंदर गुलाब का पौधा लगाइए, इस डायरेक्शन को बल मिलता है और आपके जीवन के अंदर आपके सेविंग्स भी बने रहें, प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे और जो पैसा आप दोनों दिशाओं से अर्जित करेंगे इनके बैलेंस को करने के बाद में, इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट से ही विजिट करवा के यहाँ के जो देवता एनर्जी फील्ड्स हैं उन्हें आपको सशक्त करना होता है। सेविंग्स को अपने घर के अंदर किस तरह से आप बढ़ा सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से आपकी मेंटेन रह सकती है, तो हमको वेस्ट की डायरेक्शन को भी थोड़ा सा कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। वेस्ट जो है पश्चिम की जो दिशा होती है, यहाँ पे आप अपने लॉकर को रखिए, लॉकर की प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर आपको स्टेबिलिटी देती है, प्रॉफिटेबिलिटी देती है। और कोशिश कीजिए कि आपकी लॉकर का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने मनी मैटर्स को लेके, एनर्जी के बैलेंस को लेके हमेशा हैप्पी दिखाई देंगे। तो हैप्पी 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 ये रहना भी हम लोगों की लाइफ का थीम होना चाहिए और उसके लिए एनर्जी को हमेशा अपने हाथ में लेके चलने के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा एक और आसान तरीका है कि अगर हम अपने वॉलेट के अंदर 5x5 और 8x8 और 11x11 इनमें से किसी एक साइज़ का क्लॉथ जो है रेड कलर का काट के फोल्ड करके हमेशा कैरी करें, तो आप पाएंगे कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा। आपका जब भी वॉलेट ओपन करेंगे आप तो हमेशा आपके एक्सपेंडिचर यूजफुल एक्सपेंडिचर होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, क्योंकि मनी इज़ एनर्जी एंड डेफिनेटली एनर्जी इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस और अबंडेंस इन द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।